Hello friends, this is Arfan Qureshi. मैं अरफान कुरैशी, जैसे आपसे पहले भी मैंने कुछ वीडियो बताए हैं आपको, तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा था कि जैसे आपने वीडियो तो बता दिया, आपने बिज़नेस मॉडल तो बता दिया, बट इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं, रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको वही बताऊँगा कि इसे रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। मैं आज बताऊँगा SR ऑयल का रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे जो मैं वीडियोस लाऊंगा वो आप देख सको। आज मैं नयारा एनर्जी का बता रहा हूँ, यानी SR ऑयल का, और कल मैं रिलायंस का रजिस्ट्रेशन बताऊंगा कि रिलायंस के लिए कैसे रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। तो उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, बेल आइकन को क्लिक करिए। तो आपको रजिस्टर्ड करने के लिए करना क्या होता है, जैसे आपने क्रोम होगा आपके पास, यूसी ब्राउज़र होगा, कोई भी ब्राउज़र है वो ओपन कर लीजिए। PC में ओपन करो तो बेटर होगा, PC में थोड़ा अच्छे से चलती है ये साइट। तो जैसे देखिए, आपको बता देता हूँ वेबसाइट अभी जो है SR Oil www.srroil.co.in थी, लेकिन नाम चेंज होने के बाद वेबसाइट का नाम हो चुका है www.nayaraenergy। जैसे आप देख पा रहे हो nayaraenergy, इसके ऊपर आपको गो करना है। गो करोगे तो उनकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट जो है, पहले आपने देखा होगा SR ऑयल के जो आउटलेट भी है सब लाल कलर में है, और वेबसाइट भी पहले लाल कलर की ही थी, लेकिन इन्होंने अभी नाम चेंज किया तो उसके साथ में कलर आइकन वगैरह भी चेंज कर दिया। जैसे देख पा रहे हो ये सारी जो रिफाइनरी है SR की, जो गुजरात में है, ये रिफाइनरी है जो गुजरात में है। तो आपको सबसे पहले करना क्या, आपने पेज ओपन किया, ये पेज ओपन होगा, सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर ये फ्रेंचाइजीज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बिजनेस मॉडल दिखेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे 30 ईयर्स के लिए लीज पर देना है एंड ऑल, डीलर ऑन डीलर ऑपरेटेड दिया जा रहा है, ये सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है ऑलरेडी, इससे ज़्यादा जानकारी दी आपको डिटेल में मैंने। वैसे नीचे करना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्लिक हियर, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं आपको बताऊँगा, जैसे देखो यहाँ पर इनका टोल फ्री नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आप कुछ समझ में नहीं, वैसे आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो भी आप उन्हें कॉल कर सकते हो। टोल फ्री नंबर है 1800120330, ये टोल फ्री नंबर, इस नंबर पे कॉल करोगे तो आपको बैलेंस नहीं लगेगा। और उसके बाद ये मिस कॉल का नंबर, इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल देते हो 9575795330 पे, तो आपको जो है कॉल आ जाएगा विद इन 48 वर्किंग आवर्स, कभी भी कॉल आ जाएगा। और ये दोनों भी नंबर जो है, ये बिटवीन मंडे टू फ्राइडे, यानी मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक अवेलेबल होता है, ये नंबर सुबह 9:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक अवेलेबल होता है, फ्राइडे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे इनका भी नॉन वर्किंग होता है, कस्टमर केयर का भी नॉन वर्किंग होता है। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो जैसे लिखा हुआ है फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो जैसे ये देखो, मैं मना कर रहा था आपको मोबाइल में मत ओपन करेगा, ओपन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे मैं फुल नेम के ऊपर क्लिक करूँगा तो स्क्रीन टर्न हो जाएगी, देखिए। तो आप टेंशन मत करिए, वैसा मत सोचिए कि कहाँ चली गई स्क्रीन, कुछ नहीं, आप डायरेक्ट अपना टाइप कर दीजिए। जैसे मैं टाइप करता हूँ अरफान कुरैशी, आ गया मेरा, फिर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, यहाँ पर नेक्स्ट दिखता है, हर एक के कीपैड में होता है, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता ही है, तो उस पर नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। वहाँ पर आपको आपका नंबर डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं अपना नंबर डाल दिया, मेरा नंबर नहीं है तो ट्राई मत करिएगा, कॉल लगेगा नहीं इस नंबर पे। फिर ईमेल आईडी पूछता है, तो ईमेल आईडी आपको डालनी है, कुछ भी डाल दीजिए, मतलब आपकी जो ईमेल आईडी है वो डालिए, कुछ भी मैंने डाला है, आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप जैसे डालते हो और जैसे आप रजिस्टर्ड करोगे, आपको जो है तुरंत मैसेज भी आएगा, एक ईमेल भी आएगा, और मैसेज में और ईमेल में TSM एरिया के जो टेरिटरी सेल्स मैनेजर है और जो डिविजनल मैनेजर है, जो TSM के हेड है, उनका आपको नंबर भी मिल जाता है मैसेज और ईमेल के द्वारा। देखिए आप इसके ऊपर क्लिक, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर डिड यू हर्ड अबाउट, मतलब नयारा एनर्जी यानी SR ऑयल के बारे में आपको कहाँ से पता चला बताना, जैसे न्यूज़पेपर से ऐड देखा आपने, या किसी एम्प्लॉय ने बताया, ऑनलाइन देखा, या सोशल मीडिया, या कुछ और है, तो आप ऑनलाइन डाल दिया मैंने, यहाँ पर थोड़ी नाम में मिस्टेक हो गई है मेरे, ठीक है जी। तो मैंने डाला, अभी यहाँ पर स्टेट पूछा था, तो मैं जैसे मुंबई से हूँ तो डाल देता हूँ महाराष्ट्र, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं मुंबई,
जी मुंबई। अब जैसे देख पा रहे हो मैंने सारी डिटेल फिल कर दी, अपना नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, मैंने कहाँ से देखा ऑनलाइन देखा, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया। और जैसे ही अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में दे रहे होंगे, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में नयारा एनर्जी यानी एस आर ऑयल नया पेट्रोल पम्प दे रहा होगा, तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे ना, तो उसके चंग मिनट के बाद यानी 5 मिनट के बाद आपको जो है अपने ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे टेरिटरी सेल्स मैनेजर का और डिविजनल मैनेजर का नंबर आ जाएगा। तो दिन के टाइम पे अगर आप फ्री हो तो उन्हें कॉल कर लीजिए, या तो अगर आप 4 दिन वेट करोगे तो आपको सामने से कॉल भी आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, देखो कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिटेल हैव बीन रिसीव्ड विद द रजिस्टर्ड नंबर, रजिस्टर्ड नंबर भी आ गया। ये जो है ये आपका रजिस्टर्ड नंबर है MH वाला। वी अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट एंड ऑल, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। कस्टमर केयर का नंबर भी दिया है, लेकिन आपको इस नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, वो लोगों के पास कुछ ही जानकारी है। तो अगर आप उन्हें कॉल करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, टोल फ्री नंबर है लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर 4 दिन वेट कर लीजिएगा। अगर आपको मेल के द्वारा नंबर नहीं आता है और 4 दिन में अगर फ़ोन नहीं आता है तो उन्हें कॉल करिए, और अगर आपने कॉल नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर नहीं दे रहे, इसीलिए आपको कॉल नहीं आया। और 4 दिन यानी 4 वर्किंग डेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये डिटेल उन्हें भी मिल सके। और लाइक करें और सब्सक्राइब करके रखिए पेज फ्रेंड्स, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं जो कल नया वीडियो लाऊंगा जहां पर आपको बताऊंगा रिलायंस के लिए किस तरह से रजिस्टर्ड किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।